अतिवृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जिला प्रशासन सर्वे कराए। जिले के प्रमुख किसान संगठनों ने यह मांग उठाई है। किसान संगठनों ने विभिन्न ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया है और प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की अपील की है। दो दिन हुई घनघोर बारिश ने अन्नदाताओं का हाल बेहाल कर दिया है। खेत खलियान में मेहनत कर फसल उगाने वाले किसान खुद अन्न के लिए मोहताज होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि लगातार हुई बारिश ने फसल को चौपट कर दिया है। पानी भरने से किसानों के खेत ताल तलैयों में तब्दील हो गए हैं। बैगन भिंडी आदि फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसान नेता श्याम सिंह चौहान और चौधरी दिलीप सिंह सहित तमाम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया। किसान नेताओं ने जिला प्रशासन से नुकसान की भरपाई कर बदहाल किसान की मदद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री महोदय लखनऊ बैठे और पूरे प्रदेश में ही आकर मचा हुआ है। जो पानी तेज बारिश आई आगरा जनपद में दो नदियां हैं, वैसे तीन हैं, अभी जमुना आई नहीं है। इस समय खारी का इतना बहाव तेज है जिसकी कोई सीमा नहीं। पार्वती का भी बहाव तेज है, उसमें हजारों बीघे फसल यानी नदियों में जमीन दो जो हो चुकी है, पानी में बहा चुकी है। जो उसकी जो जमीन खराब हुई है, जो फसल बर्बाद हुई है, उसकी मुख्यमंत्री महोदय से 10 लाख रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजे की मांग की गई। जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उसकी 50,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजे की मांग की गई है। जिन गरीब जनता का और किसानों के जो मकान धाराशायी हो गए, उनके प्रत्येक परिवार के 10 लाख रुपये प्रति मकान बनाने के लिए मांग की गई। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आगरा जनपद का किसान या उत्तर प्रदेश का किसान फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम जो दो दिन से अतिवृष्टि चल रही है आगरा में जनपद में, उसको लेकर हमें किसानों का जो नुकसान हुआ है देहात क्षेत्र में, जैसे कपास की खेती है, मूंग की, दलहन की, तलहन की और विशेषकर बाजरे की खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़मीनों में कई कई फुट पानी भरा हुआ है और फसल बिल्कुल सड़ गई है। उसके मुआवजे को लेकर आज हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले थे, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने लोग ज्ञापन दिया है और किसानों के लिए उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। किसान नेताओं ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे में प्रशासन ने किसानों की मदद नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।